क्रियाएं होती हैं। फर्स्ट कौन सी हो गई हमारी जनरल क्रिया और सेकंड हो गई हमारी इसकी स्पेशल यानी विशेष क्रिया। कौन सी होती है? फर्स्ट हो गई हमारी जनरल जनरल क्रिया है। ठीक है, कौन कौन सी है? फर्स्ट हो गई हमारी फेसिंग फेसिंग और प्लेन टर्निंग और स्लीडिंग SLIDING। थर्ड कौन सी हो गई हमारी? टैपर्ड टर्निंग और स्टेप टर्निंग। प्लेन के बाद कौन सी हो गई हमारी? स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग। फोर्थ कौन सी हो गई हमारी? टैपर टैपर टर्निंग। फिफ्थ कौन सी हो गई? उत्केंद्रीय टर्निंग इलेक्ट्रॉनिक टर्निंग। कौन सी हो गई हमारी? ड्रिलिंग। क्या करते हैं हम? लेथ मशीन से हम ड्रिलिंग भी करते हैं। सेवन रिमिंग। क्या करते हैं हम? ड्रिल मशीन लेथ मशीन में हम रिमिंग भी करते हैं। मैं फिर आपको इनके सबके बारे में आपको बताऊंगी इनका सबका क्या क्या होता है। फिर एट हो गया हमारा टेपिंग। Parting off
नर्डी ग्रूमिंग और अंडर कटिंग एंड हमारा हो गया फॉर्म नर्डी और फ्लोटिंग हमारा हो गया थ्रेटर्डी। ठीक है, इन सब का ये हम इन सबकी क्रियाएं होती है जिसके जिस वजह से हम लेथ मशीन में हम कार्य कर सकते हैं। फिर हो गया हमारा विशेष क्रियाएं, इसके बाद हम करेंगे जो हमारी स्पेशल क्रियाएं होती है। ये तो होती है उसके लेथ मशीन में, ये सारी क्रियाएं करने को हमें मिलती है जब लेथ मशीन के बारे में आपको दिखाऊंगी। उसका लेथ मशीन होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बट लेकिन पहले उसके बारे में पढ़ लीजिए हमें लेथ मशीन में हमें क्या क्या करना होता है। यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया हमारी स्पेशल क्रियाएं कौन कौन सी होती है हमारी, ये आएंगे हमारी विशेष विशेष क्रियाएं, इसको क्या बोलते हैं हम स्पेशल ऑपरेशन। ठीक है, कौन कौन सी क्रियाएं हैं हमारी, फर्स्ट हो गई हमारी ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग सेकेंड कौन सी होगी हमारी पॉपिंग। ये हमारी बहुत स्पेशल क्रियाएं होती है जो हम अधिकतर हम लेथ मशीन में हम करते हैं। फिर होगी हमारी रिलीविंग, रिलीविंग फिर मिलिंग फिर चाबी खार यानी कीवाइड फिर स्प्रिंग यानी स्प्रिंग बनाना फिर स्टीरिंग। ठीक है, ये हो गई हमारी यानी विशेष क्रियाएं जो हमारी लेथ मशीन में क्रियाएं करती है। कौन कौन सी हो गई हमारी, एक हो गई हमारी ग्राइंडिंग, कॉपिंग, रिलीविंग, मिलिंग, कीवाइज, स्प्रिंग बेंडिंग और स्पीनिंग। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बनाना। ठीक है, इससे क्या होता है हमारा स्प्रिंग बनाना। ठीक है, जो इसकी लंबाई व्यास, लंबाई में व्यास या समांतर टर्निंग भी कहते हैं और तैयार चौक की पूरी लंबाई में व्यास एक समान का समांतर होता है। ठीक है, उसका जो लंबाई और व्यास होती है वो एक समान भी होती है और समांतर भी होती है। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा प्लेट टर्निंग चौक को चक में बांधकर दो सेंटर में मध्य बांधकर की जाती है। ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है हमारी स्ट्रेट टर्निंग, ये प्लेन टर्निंग कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट हो क्या बोलते हैं, एक होगी हमारी रफ टर्निंग, फर्स्ट हो गई हमारी रफ टर्निंग, टर्निंग फिर सेकंड कौन सी हो गई हमारी, सेकंड हो गई हमारी रफ टर्निंग के बाद हो गई हमारी फिनिशिंग टर्निंग। कौन सी, फिनिशिंग, फिनिशिंग टर्निंग। ठीक है, ये हमारी हो गई
आते हैं और फिर उसमें फिनिशिंग के द्वारा उचित धातु बच जाती है, तो उसको रफ टर्निंग के लिए हम टूल का चुनाव काटी जाने वाली धातु की मात्रा के अनुसार हम करते हैं। ठीक है, फिर इसके आमतौर पर हम क्या करते हैं, आमतौर पर हम टर्निंग के टेल स्टॉक सिरे एंड हैंड स्टॉक सिरे की तरफ हम चलाते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको फिगर बना के दिखा रही हूँ कि कौन सा होता है हमारा रफ टर्निंग का। यहाँ तक हो गया, ये क्या हो गया हमारा टूल, ये हो गया हमारा फीड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं वर्क। ओके, ये हो गया हमारा डेप्थ ऑफ कट। इसको हम रफ टर्निंग बोलते हैं। ठीक है, रफ टर्निंग में हम क्या करते हैं, रफ टर्निंग में मैंने आपको पहले बताया रफ टर्निंग का हम क्या करते हैं, रफ टर्निंग क्या होती है हमारी, मैंने आपको बताया रफ टर्निंग के द्वारा हम जॉब का साइज बनाए जाने वाली साइज के नजदीक ले जाते हैं जिसमें फिनिशिंग के लिए उचित धातु बच जाती है। ठीक है, रफ टर्निंग के लिए टूल का चुनाव काटी जाने वाली धातु की मात्रा के अनुसार हम करते हैं। आमतौर पर हम टूल को रफ टर्निंग के टेलीस्टॉक सिरे से हेड स्टॉक सिरे तक चलाते हैं। ठीक है, से यहां से लेकर वहां तक हम सिरे को हम चलाते हैं। रफ टर्निंग में सरफेस फिनिश और शुद्धता को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। रफ टर्निंग के लिए टूल पॉइंट सर होना चाहिए तथा प्राप्त क्लीयरेंस कोण होना चाहिए। कट की गहराई और कटिंग स्पीड के अनुसार हम फीड की दर निश्चित कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। फिर इसके बाद आता है हमारा फिनिशिंग टर्निंग। फिनिशिंग टर्निंग क्या होती है, फिनिशिंग टर्निंग की देख लीजिए आप, फिनिशिंग टर्निंग, फिनिशिंग टर्निंग, फिनिशिंग टर्निंग, फिनिशिंग टर्निंग का इसका भी सेम यही चित्र है। हमारे रफ टर्निंग का चित्र हो गया। इसमें क्या होता है, रफ टर्निंग में
कम होती है, जो इसकी कट की गहराई होती है, यानी इसकी है जो इसकी गहराई होती है ऑफ कट की जो गहराई होती है हमारी ये बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा केवल एक रफ कटिंग ऊपर हुए नीचे स्थानों में एक समान बनाना होता है। इसकी कटिंग इसकी रफ कटिंग की अपेक्षा कितनी होती है हमारी रफ कटिंग की अपेक्षा इसकी 1/2 के दो गुना कितनी होती है हमारी रखी जाती है, ठीक है, दो गुना रखी जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये होगी हमारी फिनिशिंग कटिंग। रफ कटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, फिर होगी हमारा फिनिशिंग कटिंग, क्योंकि जब तक हम रफ कटिंग नहीं करेंगे तब तक हम फिनिशिंग कटिंग नहीं कर पाएंगे। फिनिशिंग कटिंग हम तब करते हैं जब हमारी रफ कटिंग का कार्य हो जाता है, क्योंकि उसकी जब हम कटिंग करते हैं कटिंग करते करते जितने भी रफ में हमारा काम होता है वो हमारी रफ कटिंग में निकल जाता है, फिर हमारा फिनिशिंग जो बच जाता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद आता है हमारा फेसिंग। फेसिंग क्या होता है, फेसिंग हमारा होता है ये इस क्रिया के द्वारा जॉब के बाहरी सिरे के क्या कहते हैं, जॉब के बाहरी सिरे को उसकी दूरी के साथ समकोण एवं समतल किया जाता है। इसमें जॉब को लंबाई यानी जॉब की जो लंबाई और साइज के आधार पर हम मिलाकर बनाते हैं, ठीक है। इस क्रिया के टूल को जॉब के सेंटर से सेट करके, मतलब जो भी इसकी क्रिया की जॉब की जो सेंटर होती है उसकी क्रिया को सेट करके टूल को थोड़ा जॉब की तरफ हम घुमाते हैं, अच्छी तरह बांध कर लेते हैं। इस क्रिया के लिए टूल कटिंग कोण लगभग 58 डिग्री रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 58 डिग्री रखा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ तक हो गया हमारा, फिर इसके बाद फिर फिनिशिंग होती है। इस क्रिया के टूल के जॉब के बाहर की ओर लाते हैं और फिर उस समय फिनिशिंग होती है जब टूल को बाहर से फेसिंग के द्वारा जॉब की लंबाई तैयार की जाती है। फिनिशिंग फेसिंग में कटिंग स्पीड रफ फेसिंग की कटिंग स्पीड के दो गुना रखी जाती है, ठीक है। फिर इसके आमतौर पर फिनिशिंग की जो स्पीड होती है कितनी होती है हमारी 0.05 mm और कट की गहराई कितनी होती है हमारी 0.1 mm की होती है, ठीक है। इसके बताया मैंने फेसिंग का, इसके बारे में बता दूंगे फेसिंग के बारे में बता दूं। फेसिंग का कैसा होता है, फेसिंग का भी सेम वही, यहां तक हो गया। फेसिंग का भी सेम यही चित्र होता है, ऐसे ही अधिक बाहर निकलने से आता है। इसकी टूल की ओवरहेड ना करें और वह टूल को अच्छी तरह से क्लैप
ये हमारी रूट्स में आती है, ठीक है। यहां तक हो गया हमारा, ये हो गई हमारी टूल्स तक का। फिर उसके बाद आता है हमारा कन्वेक्स होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा कन्वेंस यीस्ट डोज़ की जॉब का फेस सेंटर के ऊंचे ऊंचा और किनारों से नीचा होता है। ये डोज मुख्यतः ब्लंट टूल से आता है। इस डोज को दूर करने के लिए टूल को दोबारा से तेज कर लेना होता है। फिर हमारा आता है आई पाइप, पाइप इन द सेंटर। इसके इस प्रकार का दोष तभी आता है जब हम लेथ टूल की सेटिंग जॉब के सेंटर से ऊपर या नीचे होती है। इस टूल को जॉब के सेंटर की ऊंचाई के सेट पर हम करते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा स्टेप हैंडलिंग, ग्रोविंग, पार्टिंग और चैटरिंग। मैं इसके बारे में मैं कल अच्छे से इसके बारे में आपको बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ इसका थ्योरी ही बता रही हूँ, कल मैं इसका चित्र बता के बना के दिखाऊंगी। मैं स्टेप हैंडलिंग का, ग्रोविंग का और क्या बोलते हैं पार्टिंग ऑफ का, ठीक है, इन सबका मैं आपको चित्र बताऊंगी कि स्टेप हैंडलिंग, ग्रोविंग, पार्टिंग में क्या होता है, ठीक है। जो हमारी स्टेप हैंडलिंग होती है, स्टेप हैंडलिंग में जब एक ही जॉब के अलग अलग लंबाई में अलग अलग व्यास के स्टेप बनाए जाते हैं तो उसे स्टेप हैंडलिंग कहते हैं। इसके लिए जॉब को दो केंद्रों के मध्यम या चक में पकड़कर स्टेप हैंडलिंग की जाती है, ठीक है। कौन से स्टेप हैंडलिंग का, जो भी मैंने आपको पहले बताया कि कौन कौन सी क्रियाएं होती है, स्पेशल कौन सी होती है, सामान्य कौन सी होती है, उस क्रिया की बात कर रही हूँ कि कौन कौन सी हमारी होती है। स्टेप ट्रेंडिंग का ये बता रही, स्टेप ट्रेंडिंग का मैं कल आपको चित्र भी बना के दिखाऊंगी और क्या बोलते हैं पार्टिंग का भी और आपका ग्रोनिंग का भी, चीपिंग का भी, इन सब का हम चित्र बनाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरी बता रही हूँ, थ्योरी में क्या क्या करना है हमें। ग्रोविंग का भी इसके बाद आता है हमारा ग्रोविंग। ग्रोविंग में हम क्या करते हैं, ग्रोविंग में किसी भी स्टैंडर्ड जॉब की सतह पर खांचे बनाने के लिए क्रिया को ग्रोविंग कहते हैं, ठीक है। किसी भी सांचे को हम बनाने के लिए उसे हम ग्रोविंग कहते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा ग्रोविंग। इस क्रिया को करने के लिए कटिंग टूल को कटिंग एज को ग्रोव की आकृति के अनुसार हम ग्राइंड करके बनाया जाता है। स्क्वायर ग्रूव और राउंड ग्रूव एवं वी ग्रूव आदि, ठीक है, ये सब चीजें हमारी आ जाती है ग्रोविंग में। फिर हमारा आता है पार्टिंग ऑफ, ठीक है। अगर मैं आपको इसके सारे बारे में बताऊंगी, अभी मैंने आपको सिर्फ इसकी क्रियाएं बताई थी, इसका फिगर बताया है। फिर कल मैं आपको इसके एक एक बारे में मैं आपको बताऊंगी, स्टेप हैंडलिंग का, ग्रूविंग का, पार्टिंग का और चैपरिंग का, इसके मैं वर्णन करूंगी कौन कौन सा हमारा ये होता है, ठीक है। ओके एंड थैंक यू।